दोस्तों यहाँ पे देखिए सिया ब्लॉग शूट कर रही है मम्मी के साथ और इसका वीडियो आज वायरल हुआ है तो बहुत खुश है, रोने लगी है बेचारी। दोस्तों हम कभी नहीं सोचे थे कि हमारी बच्ची का वीडियो ट्रेंडिंग में चल जाएगा, कभी नहीं सोचे थे दोस्तों। मुझे नहीं लग रहा था कि आप लोग इसको भी इतना प्यार दुलार देते हैं। दोस्तों हम देखते थे कभी कभी बहुत ज्यादा लोग अवॉइड करते हैं, छन छन के लिए सब लोग कमेंट करते हैं, रिया के लिए भी कमेंट करते हैं, लेकिन सिया के लिए कोई कमेंट नहीं करता है। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज रिया और छनछन से आगे सिया है। इसका फर्स्ट ब्लॉग एकदम मान के चलिए कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। ब्लॉग मेरा बहुत गिर गया। हाँ हाँ, तुम्हारा भी ब्लॉग गया है भाई, तुम तो ट्रेंडिंग स्टार हो ही, तुम्हारा क्या बात है। अच्छा लग रहा, क्या बताए दोस्तों, आज आप लोग हमें इमोशनल कर दिए, क्या ही बताएं आप लोगों को। बहुत ज्यादा आप लोग को दिल से धन्यवाद। हमारी बेटी का पहला पेमेंट आएगा ना, पहले अपना एडमिशन करवाएंगे, फिर अपना बुक किताब उतार लेंगे और जो जो मतलब स्कूल में जो जो जरूरत होगा स्कूल का वो सब लेंगे। और दीदी का भी साइकिल है, छन छन का भी साइकिल है, तो अपना भी साइकिल लेंगे अपने पैसे पेमेंट पे। तुम्हारा साइकिल नहीं है? नहीं, कहाँ है हमारा साइकिल, हम भी लेंगे। इसको बर्थडे के दिन है, इसको साइकिल देवो, कहाँ कहा था इसको दे, नहीं सर दोस्तों बर्थडे 12 तारीख को है। कोशिश करेंगे कि इसको साइकिल खरीद दे, कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग वीडियो में ऐसा मत बोलो बेटा, हम लोग इमोशनल हो गए। हम लोग बेटा ऐसे मत बोलो वीडियो में, हम लोग जाते हैं। छनछन का, हाँ छनछन को साइकिल हम लोग नहीं किने थे बेटा, उसको लोग गिफ्ट दिए थे, उसको पैसा आता था तो समझ रहे ना हम, तुम्हारा भी पैसा आएगा तो हम दिखावती है, देख रहे हैं छन छन का एक टाली बेटा, तुम्हारा बहुत ज्यादा बिक गया है, लेकिन ये इसका अभी पहला है ना बेटा, एक टाली मम्मी ईटा आएगा ना, हम दो टाली ईटा मंगवाएंगे। देखो क्या कह रही हो, तू पढ़ी है, तू अपन फीस जमा करी है, ये लोग आपस में ही कंपटीशन कर ले रही है दोस्तों, हम क्या बताएं। ये देखिए व्यूज ला के दिखा रही है कि हमारा ज्यादा है, इसको लोग कोई प्यार दुलार नहीं। क्या है कमेंट में लिखा बता दो, कमेंट में बता दो क्या लिखा है। कमेंट में लिखा है छनछन बिटिया जब होगी तब बहुत होशियार होगी और बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करती है, बहुत अच्छी पढ़ाई भी करेगी, बहुत अच्छा बेटी। भाभी आप इतने बड़े यूट्यूबर होकर शुक्र करो अपने चैनल को देख किसी के लिए, अपने बेटी को अपने पैर पर खड़ा कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है भाभी जी। नौकरी जब लगेगी तब लगेगी, लेकिन बच्ची इतनी छोटे पर से कमाएगी तो उसका एक्सपीरियंस खतरनाक होगा। बहुत अच्छा बहन, बहुत बढ़िया छनछन बेटा, मैं लाइक सब्सक्राइब कर दी हूँ, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया छनछन बेटा ट्रेंडिंग। अरे खाली छनछन भी यहाँ, सिया का ब्लॉग है, सिया का कुछ बारे में बोलिए, सिया का मेरा मेरा उड़ रहा है आसमान में और बहुत लोग बहुत खुश है। छनछन सिया को मतलब बहुत लोग पसंद करते हैं भाई, हम नहीं जानते थे कितने लोग पसंद करते हैं। इतना खुशी हो रहा है कि जैसे मन में एकदम उछल उछल कूद हो रहा है। अभी एक फर्स्ट ब्लॉग गया, जब सेकंड ब्लॉग जाएगा तब कितना जाएगा, एकदम जैसे मन में एकदम उछल कूद हो रहा है। इसका 1000 सब्सक्राइबर हो गया दोस्तों, लेकिन हम लोग केक नहीं काट पाएंगे। एक दिन में इसका 1000 सब्सक्राइबर, टारगेट इतना खतरनाक पूरा किया ये। लाइट छोड़ दो बेटा, लाइट छोड़ दो बेटा, टारगेट इतना खतरनाक पूरा किया ये, वन डे में 1000 सब्सक्राइबर, फर्स्ट ब्लॉग पे 1000 सब्सक्राइबर, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। हमारी सिया ने कंप्लीट कर लिया आप लोग के बदौलत, और बहुत जल्दी जब इसका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तभी हमारी बेटी अपना पूरा शौक पूरा करेगी। सिल्वर बटन आएगा हमारा तब की नई इमोशनल। अरे इमोशनल काहे हो रही हो, हम है ना, हमारे थोड़ी है, जिंदा है, ठीक है एक्टर। दोस्तों हम दूसरे का चैनल प्रमोट करते हैं, बताइए हमारे घर जितने लोग आते हैं सबका हम हेल्प करते हैं, सबका प्रमोट करते हैं चैनल, तो क्या अपने बच्चों का नहीं करेंगे आप लोग, बताइए यार। अपने बच्चों के लिए तो जीते हैं, अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, अपने बच्चों के लिए घर बनवा रहे हैं, हमारा क्या, हमारा तो जिंदगी कट गया है, झोपड़ी में रहते रहते सहते सहते आदत पड़ गया है, टीना के घर में रहते रहते चूता है, जहाँ पे हम रहते हैं टीना जहाँ जाते मेरा नसीबे कैसा फूटा है, पता नहीं मैं बुरी हूँ कि मेरा नसीब बुरा है, कुछ समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ होता क्या है, कभी सोच भी नहीं समझ भी नहीं पाती हूँ। जिस घर में मैं रहना चाहता हूँ जरूर, मेरा एक ही सपना है कि मेरा एक अच्छा सा घर हो, जब बरसात आए तो मैं पकौड़ी तल के खाऊं और चाय बना के पीऊं,
बहुत मेरा मन करता है कि बाहर झिमझिम झिमझिम बारिश हो, अंदर हम लोग पूरे फैमिली मिलके एंजॉय करें। लेकिन दोस्तों ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। हम लोग सारे लोग एक ही बिस्तर पे एक ही जगह इसी घीकूर के बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा घर चूता मिलता है हमारा। इतना हम इतने बड़े यूट्यूबर होकर के आज आप लोगों से अपने दिल का बात कहना चाहती हूँ। दोस्तों बहुत तकलीफ होता है जब कोई कहता कि आपका घर नहीं है। सही बात है दोस्तों, हमारा घर नहीं है। इतना बड़ा यूट्यूबर है लेकिन हमारा छत का घर नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत लोगों का हेल्प करते हैं दोस्तों, अब यही करना पड़ेगा। बहुत लोग कमेंट में कह रहे हैं भीख मांग रहे, भीख मांग रही है। दोस्तों भीख नहीं मांग रहे हैं, भीख उसको कहते हैं कि जो भीख मांगता है, कहता कि हम लेंगे, हमको इतना पैसा दे दीजिए, वो मांगता है उसको भीख कहते हैं। लेकिन हम तो कर्जा मांग रहे थे ना, उसको भी लोग भीख समझ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, दो चार लोग हैं जो हेट करते हैं, आपका भी भला हो भैया जो हेट करते हैं।